मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो ओजरी मैंने ली है, ये फ्रोज़न है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट ऑयल में भूनने की बजाय पहले इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करने लगी हूँ। 200 ml इसमें मैंने पानी ऐड किया गरम, 50 ml जो है हाफ डेसीलीटर इसके अंदर अदरक लहसुन प्याज तीनों चीज़ें शामिल हैं। और अगर सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट सेपरेटली आपने पता करना हो तो उसमें ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी का जो बचा हुआ जो बाकी इसमें गुंजाइश है वो प्याज डाला है। मैंने बहुत ज़्यादा मसाला इसका नहीं बनाना। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दिया। इसमें सेम 50 ml 1/2 डेसीलीटर इसके अंदर मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया। 1 टेबल स्पून नमक डाल देना इसमें। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल देना है। सारी चीज़ें एक साथ डाल के थोड़ा सा पानी के साथ मैं इसे पकाना चाह रही हूँ। जब तक इसका पानी ड्राई होगा हर चीज़ का फ्लेवर इसके अंदर जा चुका होगा, फिर हम इसमें ऑयल ऐड करके इसको फ्राई करेंगे। जब तक ये अलग अलग बोटी नहीं हो जाती है और इसे आसानी से फ्राई नहीं कर सकते तब तक मैं इसे धीमी आँच पर पकाऊँगी। और जैसे ये खुलता है सारा गोश्त मैं आपको दिखाती हूँ। इसको 10 से 15 मिनट लगे हैं ये बोटी सारी अलग अलग होने में। और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैंने इसमें 1/2 कप तेल ऐड किया है। कैमरा पे क्लिक करना शायद मैं भूल गई थी या कैमरे पे क्लिक नहीं हो सका, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1/2 कप ऑयल ऐड किया है। मैं देखूंगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा और ऐड करूँगी, वरना 1/2 कप ऑयल काफ़ी होना चाहिए इसको। इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही हल्की आँच पर भूनती रहूँगी ताकि ये इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, हल्की सी भी स्मेल ना रहे इसके अंदर। इसकी आंच तेज किए बगैर मैं इसको फ्राई कर लूंगी और उसके बाद फिर मैं फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। अब इसके ऊपर लिड से मैं इसे कवर नहीं करूंगी।